फीस इतनी ज्यादा है कि गरीब आदमी हिस्सा लेने का सोच भी नहीं सकता। नामनिहाद जमहूरी निजाम ने वोट को इज्जत देने के बजाय वोटर का ही जीना मुश्किल कर दिया है। सिटी कोर्ट में पीएसपी रहनुमा इफ्तखार आलम के कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रजा हारून का कहना था कि जमहूरी निजाम में इलेक्शन की सिक्योरिटी फीस 20 और 30 हज़ार रखकर गरीब और आम पाकिस्तानी को दूर रखा जा रहा है। जमहूरी निजाम ने इलेक्शन मुश्किल बनाकर आम और गरीब लोगों से असम्बलियों में जाने का हक भी छीन लिया है। नाम नेहाद जमहूरी निजाम ने वोट को इज्जत देने के बजाय वोटर का जीना ही मुश्किल कर दिया है। इतने नाकिस और इतने गैर मेयारी कानून है, इन कानून की मौजूदगी में कोई बात वाजे नहीं, ना उम्मीदवारों को इनसे कोई गाइडेंस मिल रही है, ना वकला के पास कोई गाइडेंस नसीब है, ना हमारे आरओ साहिबान जिनकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन है अपनी अपनी दानिश में जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ, हर चीज़ की इंटरप्रिटेशन हर दफ्तर में हर शख्स से मुख्तलिफ आ रही है। रजा हारून का कहना था कि जो कारकुनान पार्टी तंजीमी ओहदों पर फाइज हैं वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। हमारी पार्टी में मुख्तलिफ कौमियतों के लोग हैं, हम उन्हें कौमी और सूबाई